हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आपको OTM ऑप्शंस बाइंग क्यों नहीं करना है। ये चीज़ मैं आपको अपने सारे वीडियो में बताते रहता हूं, जहां पे भी हम ऑप्शंस की बात करते हैं, और हम डेली इंट्राडे वाले वीडियो में भी आपको बताते रहता हूँ कि आपको हमेशा बाई करना है, इन द मनी ऑप्शंस बाई करना। अगर आपके पास कम फंड है तो आप ATM बाई कर सकते हैं, लेकिन गलती से भी OTM ऑप्शंस बाई नहीं करना है। तो आज मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि क्यों मैं आपको OTM ऑप्शंस बाई करने से मना करता हूँ, इसके पीछे का रीज़न क्या है, OTM ऑप्शंस बाई करने का नुकसान क्या है, डिमेरिट्स क्या है। और आपने बहुत सारे लोगों से भी सुना होगा कि हमें OTM ऑप्शंस बाई नहीं करना चाहिए, उसके पीछे का क्या रीज़न है। चलिए इस वीडियो में हम डिटेल से इसको समझते हैं। यहाँ पे हम ऑप्शन चेन पे आ गए और यहाँ पे हम समझेंगे कि क्यों हमें OTM ऑप्शंस बाई नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप ऑप्शन चेन को देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा स्ट्राइक प्राइस दिख जाएगा। ऑप्शन चेन के बेसिक के बारे में हमने पूरा ऑप्शन चेन एनालिसिस किया उस टाइम पे ही बताया, और आपको कई सारे वीडियो में ऑप्शन चेन के बेसिक के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो देख के आप इसके बेसिक के बारे में इन्फॉर्मेशन क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक प्राइस होता है, आपका कॉल साइड की तरफ भी होता है और पुट साइड की तरफ भी होता है। तो कॉल साइड की तरफ यही आपका प्राइस देखने को मिलेगा और पुट साइड की तरफ यहाँ पे आपको प्राइस देखने को मिलेगा। तो जो भी प्राइस होता है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें हमें दो चीज़ देखने को मिलता है, एक आपका होता है इंट्रेंसिक वैल्यू और दूसरा होता है आपका टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू क्या होता है, एक्सपायरी के दिन ये जो टाइम वैल्यू वो आपका जीरो हो जाता है और जो बचता है पूरा का पूरा इंट्रेंसिक वैल्यू ही बचता है। लेकिन ये किस में होता है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ इन द मनी कॉल ऑप्शंस में या फिर पुट ऑप्शंस में होता है। अगर हम OTM या फिर एट द मनी की बात करें तो वहाँ पर आपको इंट्रेंसिक वैल्यू देखने को नहीं मिलता, पूरा का पूरा टाइम वैल्यू देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात कर लें पुट साइड की तरफ, अगर हम बात करें तो जो आपका ATM है उससे नीचे क्या हमें देखने को मिलता है, इन द मनी देखने को मिलता है। और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू देखने को मिलेगा। इसका कैलकुलेशंस कैसे करते हैं मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं, इसके ऊपर भी हमने सेपरेट डिटेल वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी स्ट्राइक प्राइस का हमने सिलेक्शन किया है हम उसको पिक करते हैं और उस स्ट्राइक प्राइस में से हम स्पॉट प्राइस को माइनस कर देते हैं और जो भी वैल्यू आता है वो हमारा क्या बन जाता है, इंट्रेंसिक वैल्यू बन जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हमें 17,800 के स्ट्राइक प्राइस का इंट्रेंसिक वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 17,800 माइनस जो अभी आपका एट द मनी प्राइस चल रहा है, हम इसको 17,650 के करीब ही ले लेते हैं राउंड फिगर में लाने के लिए। तो लगभग आपका यहाँ पर हो जाएगा 150 पॉइंट। तो 230 में से 150 पॉइंट है आपका इंट्रेंसिक वैल्यू, बाकी जो बच गया आपका टाइम वैल्यू है। तो टाइम वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, लगभग आपका 80 रुपीज़ के करीब यहाँ पे टाइम वैल्यू हो गया और 150 आपका इंट्रेंसिक वैल्यू हो गया। तो इस तरीके से आप टाइम वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे हम OTM पे आते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा आपको टाइम वैल्यू ही देखने को मिलेगा, इंट्रेंसिक वैल्यू आपको कंप्लीटली जीरो देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम कॉल ऑप्शंस की तरफ आए तो यहाँ पे ये सारा आपका ITM कहलाता है, इन द मनी कॉल ऑप्शंस, और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू देखने को मिलेगा। OTM में जैसे ही जाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टाइम वैल्यू ही देखने को मिल जाएगा। तो टाइम वैल्यू इंट्रेंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि हमें OTM कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस क्यों नहीं बाई करना है। तो आपने देख लिया, और अगर हमें कॉल साइड की तरफ टाइम वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस प्राइस पे मार्केट ट्रेड कर रहा है उसको हम लेंगे, यानी स्पॉट प्राइस लेंगे, उसमें से स्ट्राइक प्राइस माइनस कर देंगे। सपोज दैट हमें 17,500 के स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू है आपका 267 करीब, इसमें कितना टाइम है, इंट्रेंसिक वैल्यू है, वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 17,650 माइनस 17,500, यहाँ पर भी लगभग आपका 150 रुपये करीब इंट्रेंसिक वैल्यू है, रियल वैल्यू है। अब यहाँ पर है 265
5 के करीब है, 265 में से 150 माइनस कर दें तो ये आपका हो जाता 115। तो यहाँ पे 115 आपका टाइम वैल्यू हो गया, जो कि एक्सपायरी डे के दिन ये टाइम वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो बच जाएगा। अगर इसी लेवल का भी एक्सपायरी देता है तो 17,500 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन का जो रियल वैल्यू रहेगा सिर्फ आपका 150 ही बच जाएगा। आप किसी दिन एक्सपायरी जब हो जाता उस दिन का आप ऑप्शन चेन उठा के देखना, आप देखोगे कि पुट साइड की तरफ जो भी आपका ओटीएम है उसका पूरा का पूरा वैल्यू जीरो दिखेगा, कॉल साइड की तरफ जो भी आपका ओटीएम है उसका पूरा का पूरा वैल्यू जीरो दिखेगा। उस दिन आप समझ जाएंगे कि ओटीएम का वैल्यू एक्सपायरी डे के दिन जीरो हो जाता है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि नुकसान क्या होता है, अब उस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला नुकसान होता है कि ओटीएम पे पूरा का पूरा टाइम वैल्यू रहता है, लेकिन क्या ये हमारे लिए कैसे नुकसानदायक रहता है उसको हम समझते हैं। सपोज डैट मार्केट अभी आपका ट्रेड कर रहा 17,650 के लेवल पे, आपको लग रहा है कि मार्केट वापस से 18,000 के लेवल को टच कर सकता है एक्सपायरी तक, या फिर एक्सपायरी 18,000 के करीब दे सकता है। आपने यहाँ पे क्या किया, हम 18,000 छोड़ देते हैं, हम यहाँ पे 17,950 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस बाई करते हैं। अब इसको बाई करने के लिए प्रीमियम है लगभग आपका 55 के करीब, तो 55 इंटू अगर हम यहाँ पे 50 कर दें तो इसको बाई करने के लिए जो हमें प्रीमियम पे करना होगा वो लगभग होगा आपका 2750 के करीब। तो इतना चाहिए होगा इस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस बाई करने के लिए। अब आपको क्या लगता है कि मार्केट अगर आपका एग्जैक्ट 18,000 के लेवल पर एक्सपायरी दे दिया तो क्या यहाँ पर मुझे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट आपके फेवर में लगभग 350 पॉइंट का मूवमेंट दिया तो आपको प्रॉफिट होगा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपने ओटीएम ऑप्शंस बाय किया बहुत दूर वाला। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट कैसे होगा उसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे नुकसान कैसे होगा। तो हमने क्या किया, 17,950 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस बाय किया। अब हम यहाँ पे इसका ब्रेक इवन पॉइंट निकाले तो स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम यानी ब्रेक इवन पॉइंट होगा 17,950 प्लस 55 That means to 18,005, यानी अगर 18,500 के ऊपर मार्केट जाएगा तभी प्रॉफिट होगा, अदरवाइज मुझे नुकसान होगा। तो अगर ये आपका 18,000 के लेवल पे भी एक्सपायरी देता है तो मुझे यहाँ पे 5 पॉइंट का नुकसान होगा। 5 पॉइंट का नुकसान का मतलब है कि 5 into 50, डैट मीन्स टू यहाँ पे आपको 250 रुपये का नुकसान हो रहा है, जबकि मार्केट आपके फेवर में कितना मूव कर रहा है, 350 पॉइंट मूव कर रहा, फिर भी लगभग आपको 8 से 10% का जो कैपिटल है वो नुकसान कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 17,950 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस बाई किया, मुझे यहाँ पे 250 रुपये का नुकसान हो रहा। अब सेम काम हम करते हैं, हम एट द मनी पे चलते हैं, 17,650 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस बाई करते हैं जिसका अभी प्राइस चल रहा 175 के करीब। अब इसको बाई करने के लिए हमें कितना फंड लगेगा, 175 अगर हम 50 कर दे तो यहाँ पे आपका होता है, तो यहाँ पे आपका होगा 8750 यानी 8750 रुपीज़ हमें चाहिए होगा फंड। तो यहाँ पे भी ज़्यादा फंड नहीं लग रहा, कम फंड ही लग रहा अगर ये एक्सपायरी आपका 18,000 के लेवल पे देता है तो इसका रियल वैल्यू क्या होगा, इसका रियल वैल्यू होगा आपका 350 के करीब, क्योंकि 18,000 माइनस 650 करेंगे तो 350 के करीब आएगा। तो हमने इसको बाई किया 175 पे, तो 350 माइनस 175 अगर हम कर दें तो यहाँ पे आपको 175 ही दिखेगा, यानी हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा 175 into 50 यानी 8750 रुपीज़ का यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाएगा। यानी यहाँ पे हमने कितना फंड लगाया था, 2750 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था, ऑप्शंस में बाई किया था, तो इसके कारण से मुझे 250 रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन हमने क्या किया थोड़ा सा एट द मनी उठाया और यहाँ पे 8750 यानी 10,000 से काफ़ी कम कैपिटल लगाया था तो यहाँ पे मुझे सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल का प्रॉफिट हुआ, यानी 8750 रुपीज़ का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। तो देख रहे हैं किस तरीके से हमने ओटीएम में नुकसान किया सेम मोमेंट पे, जबकि एटीएम पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। अब यहाँ पे हम इन द मनी का भी प्रॉफिट देख लेते हैं। सपोर्ट एट यहाँ पे हमने 17,500 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन का सिलेक्शन किया और जिसका प्राइस अभी चल रहा है 250 के आसपास, तो 250 into 50 अगर हम कर दें तो अगर हम 250 into 50 करते हैं तो ये होता है आपका 12,500 यानी सिर्फ यहाँ पे मुझे 12,500 का फंड लगेगा। तो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपके पास मिनिमम 10,000 से 20,000 का फंड होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज
इस ऑप्शंस ट्रेडिंग से भी प्रॉफिट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 12,500 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इसका रियल वैल्यू कितना होगा, 18,000 पे एक्सपायरी दे रहा है, इसका रियल वैल्यू हो जाएगा आपका 500। तो यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो भी स्पॉट प्राइस है यानी एक्सपायरी यहाँ पे दिया तो स्पॉट प्राइस ये हो गया, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन 17,500 है, तो 18,000 माइनस 17,500 500 हो जाएगा। और हमने यहाँ पे जो बाई किया इसको लगभग 250 पे बाई किया तो हमें प्रॉफिट होगा 250 पॉइंट का, यानी यहाँ पे मुझे 12,500 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है। तो सेम मूवमेंट हुआ, प्राइस आपका 17,650 से 18,000 के करीब आया है। यहाँ पे हम OTM पे बाई कर रहे हैं, डीप OTM बाई कर रहे हैं तो 250 पॉइंट का नुकसान हो रहा है, ATM उठा रहे हैं तो हमें लगभग 8,700 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, इन द मनी ले रहे हैं तो हमें 12,500 का प्रॉफिट मिल रहा है, मूवमेंट में कोई चेंजेस नहीं किया। तो यही बेनिफिट होता है अगर आप इन द मनी ऑप्शंस बाई करते हैं या फिर एट द मनी ऑप्शंस बाई करते हैं। तो OTM बाई करते तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ जाएगा, अगर मार्केट आपके फेवर में भी आएगा तो आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट मिलता हुआ नहीं दिखेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, OTM ऑप्शंस को बाई करना अवॉइड करने को बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस कम रहते हैं। वहीं अगर आपका मार्केट रेंज बाउंड रह गया, जिस प्राइस पे आपने बाई किया वहीं पे रह गया, तो आपने जो भी OTM ऑप्शंस बाई किया वहाँ पे जो भी कैपिटल आपने इन्वेस्टमेंट किया 100% आपको लॉस होगा। जबकि अगर हमने इन द मनी ऑप्शंस बाई किया है तो वहाँ पे मेरा 100% लॉस नहीं होगा, मेरा होगा 50-70% कैपिटल का ही नुकसान होगा, कुछ ना कुछ कैपिटल मेरे पास बचा रह जाएगा। जबकि OTM पे आपका पूरा का पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा, सारा कैपिटल खत्म हो जाएगा, आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं बचने वाला है। तो ये भी कारण है कि यहाँ पे हम इन द मनी ऑप्शंस बाई करना प्रेफर करते हैं। सेम तरीके से आप यहाँ पे पुट साइड की तरफ भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, प्राइस आपका 17,650, सपोर्ट है आपको लगता है कि एक्सपायरी तक 17,500 करीब चला जाएगा, यानी यहाँ से 150 पॉइंट नीचे जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर आप क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे OTM बाई करते हैं, यानी हम सेम बाई कर लिए 17,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शंस बाई कर लिए, तो अगर इस लेवल के करीब जाएगा तो क्या हमें प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। बाई चांस यहाँ से ही आपका और 400 पॉइंट नीचे चला गया, 17,400 करीब चला गया, तो यहाँ पे इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या बनेगा, इसका प्रीमियम 95, तो 17,500 माइनस 95 तो 17,405 के करीब जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। यानी 17,400 गया, यानी जहां तक आपने सोचा था उससे 100 पॉइंट और नीचे गया, तो मुझे यहां पे कितना प्रॉफिट मिला, सिर्फ 5 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा है। जबकि यहां पे हमने जो स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन किया था, जहां तक हमें लग रहा था कि प्राइस जाएगा, वही स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन हमने किया, वहीं पर हमने बाई किया और प्राइस वहां से 100 पॉइंट और नीचे गया, सिर्फ मुझे 5 पॉइंट का प्रॉफिट दिया। 5 पॉइंट का प्रॉफिट का मतलब है कि 5×50 अगर आप कर देते हैं तो 250 पॉइंट का सिर्फ आपको प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाएगा, वो नेग्लिजिबल प्रॉफिट होगा, इसमें से बहुत सारा पार्ट आपको ब्रोकरेज में भी डिडक्ट होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन वही अगर हम स्लाइटली एट द मनी या फिर इन द मनी लेते हैं, यहाँ पे हम एट द मनी की बात कर लें, तो अगर प्राइस आपका 17,400 के लेवल पे जाता है, यहाँ पे आके एक्सपायरी दे दिया, तो इसका जो रियल वैल्यू आपका हो जाएगा वो होगा आपका 250 के करीब, हमने बाई किया 150 करे, तो यहाँ पे मुझे 100 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। 100 पॉइंट का प्रॉफिट का मतलब है 100×50 यानी 5,000 का प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है। तो जहाँ पे मुझे सिर्फ 250 का प्रॉफिट मिल रहा, उसके अगेंस्ट सिर्फ हम ATM पे जा रहे हैं, 5,000 का प्रॉफिट मिल रहा, ज़्यादा कैपिटल भी हम नहीं लगा रहे, हम सिर्फ आपका 150 रुपये बाई करें, यानी 150 × अगर आप 50 कर दें तो यहाँ पे आपका सिर्फ होता है 7,500 करीब, यानी सिर्फ हम 7,500 का कैपिटल लगा रहे हैं जहाँ से हमें 5,000 का प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है। सिमिलरली अगर आप इन द मनी बाई करेंगे तो और ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलता हुआ दिख जाएगा, 7,500 से 8,000 का प्रॉफिट आपको इन द मनी में मिलता हुआ दिख जाएगा। तो यही बेनिफिट है अगर हम इन द मनी ऑप्शंस बाई करते, चाहे कॉल का करें या पुट का करें, और OTM करें चाहे कॉल का करें या पुट का करें, वहाँ पे हमें बहुत कम प्रॉफिट मिलता हुआ दिखता, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं। इसलिए आपको इस तरह का ट्रेड नहीं लेना, यानी OTM ऑप्शंस में कभी गलती से भी बाइंग नहीं करना। क्यों नहीं करना, उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ मैं आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप ऑप्शन चेन के बारे में और डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं, ऑप्शंस के बारे में सीखना चाहते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो इसके लिए हमने एक स्पेशल सा कोर्स लॉन्च किया है, उसको आप अवेल कर सकते हैं, उसके लिए आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, इक्विटेड कम्युनिटी, जो कि आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप हमारा
एफएनओ वाला कोर्स देख सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस का कंप्लीट कोर्स देख सकते हैं, कंप्लीट कंटेंट देख सकते हैं, क्या क्या वहाँ पे हमने डिस्कस किया वो सब कुछ देख सकते हैं अगर आपको पसंद आता है, और वो सब कुछ अगर आपको सीखना है तो आप हमारा कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं। तो एक बार आप हमारा मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए और कोर्स को जरूर ओवरथ्रो कीजिए। इसके अलावा आपको कैंडलस्टिक से, टेक्निकल एनालिसिस से और भी बहुत सारे टॉपिक के रिलेटेड आपको वहाँ पे कंटेंट मिल जाएंगे, जो भी आपको पसंद आता है उसको आप इनरोल कर सकते हैं, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, और वो सब कुछ देखने के बाद आप एज अ इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं, अपना ट्रेडिंग डिसीजन आप खुद से ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।